लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं महिला सफाई कर्मी भी आई हुई हैं जी यहाँ पे इको गार्डन में। आप आए हो कहाँ से? आए हुए हैं गुसाईगंज से। क्या मांगे हैं मैम? क्या मांगे? पुराने पेंशन। हाँ, मांगे बोलिए मांगे। हाँ, मांगे हमारी, हम लोगों की है, हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें और समय नियमावली से रखी जाए। और जो है हम लोग की अनर्गल इधर उधर जो है ड्यूटी लगा देते हैं, हम लोगों को एकदम बहुत अलग तरीके से ड्यूटी लगाते हैं। हम लोगों का, हम लोगों को शासन आदेश दिखाएं और तब ड्यूटी लगाएं। शासन आदेश के जरिए से हम लोग को ड्यूटी लगानी चाहिए और प्रधान से छुटकारा होना चाहिए और हम लोग की पुरानी पेंशन बहाल हो। और प्रमोशन के लिए हम लोग को जियो आया था, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं सब लोग। हम लोग के साथ बहुत गलत जो है बर्ताव, जो है एक कर्मचारी को गलत ड्यूटी लगाकर बहुत गलत बर्ताव सब कर रहे हैं। कर्मचारी को बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए हम लोग की मांगे पूरी होनी चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने कोविड काल में काम किया, अपने परिवार की फिक्र ना करके, अपने घर बार की फिक्र ना करके जिस तरह से काम किया लगातार, क्योंकि कोविड काल में सब जो उच्च अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, वो अपने घरों के अंदर थे, लेकिन आप लोग हॉस्पिटल में थे, सड़कों में थे जी, तो आपके साथ इतना अनदेखा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप लोगों के पैर धुलते हैं। हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग तन मन से सफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोरोना काल में काम कर रहे हैं, उस तरीके से हमें सफाई कर्मी भाई बहनों को न्याय मिलना चाहिए और हमें पेंशन मिलना चाहिए। हमें कहीं भी ड्यूटी लगाई जाए तो हमको आदेश के अनुसार लिखित हमें आदेश चाहिए, तब ड्यूटी लगाई जाए। हमारे टीएडीए हमको भी मिलना चाहिए, सब विभाग को मिलता, हमको नहीं मिलता है। हमारी पाचा मांगे पूरी हो और हमें कुछ नई सरकार से चाहिए। हम धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों के पैर धुलते हैं, उससे कुछ खुश नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मियों का पैर नहीं धुलते हैं। अगर वो पैर धुलते होते तो आज हम लोगों को पेंशन मिलती, मेरी सेवा नियमावली बन गई होती और हम लोग जो कोरोना काल में ड्यूटी किए, हम लोग को उसको कोई बेनिफिट भी नहीं मिला है। हम लोग 8 घंटे के बजाय 12-12 घंटा ड्यूटी किए हैं और आए दिन हम अयोध्या से चल करके आ रहे हैं। आए दिन वहाँ विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वहाँ लोग जाते हैं, हम लोग की बराबर ड्यूटी भी करते हैं और तन मन से भी काम करते हैं, लेकिन आज तक हम लोग को यहाँ तक कि इतना दीप उत्सव भी जलाया गया, वहाँ की सफाई कर्मचारियों को एक डिब्बा मिठाई भी नहीं दी गई और 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। बताइए, जिस दिन हम लोग काम करना बंद कर देंगे उस दिन पूरा देश गंदगी के अंबार में फैल जाएगा और गंदगी का ढेर लग जाएगा। लेकिन अभी मोदी प्रधानमंत्री और योगी को ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर सफाई कर्मियों के ऊपर ध्यान देंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे तो वो आए दिन देश पे राज करेंगे। अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी करेंगे तो वो राज नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों का अभी तक बोनस भी नहीं मिला है और हमारी 5 सूत्रीय मांग है, उनमें से पहली मांग हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, सेवा नियमावली बने, प्रधान से मुक्ति हो और जो भी हम लोगों को पैसा उपलब्ध कराया जाता है प्रधान के खाते में आता है, वो प्रधान के खाते में ना आ करके वो हम लोग के खाते में पैसा भेजा जाए, जिससे हम लोग सफाई उपकरण की व्यवस्था कर सके। आवाज, इतने साल हो गया हम लोग को, 14 साल हो गया सर्विस करते हुए, कभी भी हम लोग को सफाई करण या सफाई उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। और अयोध्या में ड्यूटी लगती है तो हम लोग अपने जेब से खर्चा करके सफाई उपकरण ले करके जाते हैं। कोविड काल में आप लोगों ने काम किया तो उपकरण उपलब्ध कराए गए थे, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे? कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराया गया था। हम लोग मास्क वगैरह, सैनिटाइजर सब लोग हम लोग अपने पास से ही खरीद के ले करके जाते थे और हम लोगों ने कोरोना काल में बहुत कड़ी मेहनत की है और हमेशा हम लोग ड्यूटी करते रहे बराबर, लेकिन तब भी सरकार हम लोगों को, हम लोग के बारे में नहीं सोच रही है। और जब योगी सांसद थे तो उस समय ने अपने लेटर पैड पे लिखा था कि हम आएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। योगी जी से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि वो अपना वादा पूरा करें और पुरानी पेंशन बहाल करें। सफाई कर्मचारी एकता।